अमेरिका के न्यूयॉर्क में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग त्योहार की तैयारियों में जुट गए। यहाँ की चिड़ियाघर प्रशासन ने पर्यटकों को लुभाने के लिए खास इंतजाम किए। न्यूयॉर्क में क्रिसमस से एक महीने पहले ही माहौल रंगीन हो गया। यहाँ का ब्रुक्स चिड़ियाघर रोशनी से जगमगा उठा। चिड़ियाघर में पर्यटकों और खासकर बच्चों को लुभाने के लिए अलग अलग जानवरों की आकृति लगाई गई है, जो रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो रहे हैं। डॉल्फिन और कई तरह के जानवर के कटआउट पर्यटकों का मन मोह रहे हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर में लाइटिंग शो का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मंत्री ने इंसानियत की मिसाल पेश की, जहां एक सड़क किनारे घायल आदमी की मंत्री जी ने मदद की और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। असल में बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी का काफिला गुजर रहा था, इसी दौरान उनकी नजर सड़क किनारे एक आदमी पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था, जिसके बाद मंत्री जी ने तुरंत अपने काफिले को रोकने का आदेश दिया और फौरन उस आदमी के पास पहुंचे। बताया गया कि सड़क दुर्घटना का शिकार होने के बाद आदमी की हालत नाजुक बनी हुई थी, लिहाजा ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंत्री जी के आदमियों ने आदमी को गोद में उठाकर गाड़ी में लिटाया और फिर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अब खबर यूरेशिया से है, जहां एक साथ दो ज्वालामुखी में विस्फोट होने से लोगों में दहशत फैल गई।